हाय फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल। आज डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्लास 11 सीबीएसई एग्जामिनेशन। जैसे कि अभी मंथ है नवंबर और कुछ स्कूल्स में फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो कुछ स्कूल्स में मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे फरवरी और मार्च आपके क्लोज आएंगे तो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंतन करना होता है, जैसे कि कुछ महापुरुषों ने कहा है। तो हम भी यहाँ पर चिंतन करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके बाद हम कम समय में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरीके से इनको स्टडी करना है, किस ऑर्डर में करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लगे और आपको लगे कि सर दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनल एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ध्यान में रखते हुए हमें बताएं, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड करिएगा, जितना जल्दी हो पाएगा मैं आपके लिए वो वीडियो भी तैयार करूंगा, और जो टॉपिक्स में डाउट होगा तो उसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है मोस्ट प्रायोरिटी पे जो हमने रखा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे, वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन में टोटल हमारे 3 लॉज हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड है लॉ ऑफ एरियाज और थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। तीनों लॉज की स्टेटमेंट आपने याद कर लेनी है। उसके बाद जो लॉ ऑफ एरियाज है और लॉ ऑफ पीरियड्स है, इन दोनों की डेरिवेशंस आपको तैयार करनी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप लॉ ऑफ एरियाज की डेरिवेशन तैयार करेंगे तो उसका एक और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि रोटेशन चैप्टर में एक टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके अंदर भी यही डेरिवेशन आपने करनी होती है। वहां पर आपको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट दिखाना होता है और लॉ ऑफ एरियाज में आपको डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट शो करना होता है। तो ये डेरिवेशन करने से आपके 2 टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है, बरोबर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में, केवी स्कूल्स में देखा गया है, जो बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी। प्राइवेट स्कूल्स में भी आता है, अनएडेड पब्लिक स्कूल्स में भी आता है, लेकिन मतलब जो फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, ये हम लास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन करने के भी 2 फायदे हैं, क्योंकि जब आप एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे तो वहीं से आपकी एक और डेरिवेशन तैयार हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी दोनों डेरिवेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप बॉडी को, यूनिट मास को या गिवन मास को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी। इसी का जस्ट अपोजिट एस्केप वेलोसिटी में होता है। आप अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को थ्रो करते हैं, और कहाँ तक थ्रो करते हैं, इन्फिनिटी तक। तो जब आप डेरिवेशन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, हम लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी से आर, और एस्केप वेलोसिटी में हम लिमिट लगाते हैं आर से इन्फिनिटी। बस यही डिफरेंस है। अगर आप प्रिपेयर करोगे तो डेरिवेशन प्रिपेयर करने में आपको थोड़ी सी हेल्प इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मिल जाएगी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी के बाद जो हमारी थर्ड प्रायोरिटी पर है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और फिर इसके बाद इन दोनों में रिलेशन डिराइव करना है, वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, दोनों को डिवाइड कर देना, रेशियो आ जाएगी वी ई अपॉन वी ओ दैट इज इक्वल टू रूट टू, या फिर आप बोल सकते हो वी ई इज इक्वल टू रूट टू वी ओ या वी नॉट, क्लियर। तो ये जो हमने लिखा है इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप पे होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप बॉटम में आएंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती जाएगी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। अगर आप कहेंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए या इसका कैसे हमें करना है, डेरिवेशंस कैसे प्रिपेयर करनी है, उसका हिंट दे दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना, हम जितना हमसे हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने रखा है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट डेप्थ एंड शेप। तो ये 3 डेरिवेशंस हैं, इसमें आप प्रूव करते हैं जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h / r, इसमें आप प्रूव करते हैं जी डैश इक्वल टू 1 - d / r इंटू जी,
और इसमें आप प्रूव करते हैं ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। इसमें जो है लास्ट टॉपिक आपका, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमने टॉप पे रखा है वो हमने टॉप पे क्यों रखा है, क्या रीजन है उसके पीछे। एक तो फ्रिक्वेंटली आया एग्जाम्स में, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, दूसरा उसकी मार्किंग भी ज्यादा है। जैसे कैपलर्स लॉज और अगर उसकी डेरिवेशन आती है तो ये आपकी 3+2 या 3+1+1 में आ सकती है। जैसे 1 मार्क की स्टेटमेंट आ जाएगी, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाएगा, 1 मार्क का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये हो गया 1+3+1। या फिर ऐसा हो सकता है 2 मार्क्स की स्टेटमेंट आ जाए, 3 मार्क्स की डेरिवेशन आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है 3 मार्क्स की डेरिवेशन आ जाए, 2 मार्क्स का इस पर न्यूमेरिकल आ जाए। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी कर लोगे काफी है, क्योंकि उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। क्लियर। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों 5 मार्क्स के टॉपिक है, 3 मार्क्स की डेरिवेशन और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है या तो 2 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। तो अगर आप इस ऑर्डर में तैयारी करोगे, लिस्ट आपके सामने, टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें एक और करना है, अगर आप ये सब कर लेंगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लिख दिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे और आप करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फिर उसके बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इसीलिए हेल्प की है, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए फुल मार्क्स लाना चाहता है, पूरा प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो पूरा प्रिपेयर कर लेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास टाइम कम है या उनकी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई है, कुछ वजह से वो नहीं पढ़ पाए, वट एवर बी द रीज़न, तो बच्चे स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स भी कर लेंगे, 4 टॉपिक्स कर लेंगे या 2 टॉपिक्स करेंगे, तो उनके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और उनको जो है हेल्प मिलेगी। तो आई होप ये आपका हेल्प करेगी और आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और आप हमें इसको और इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे बता दीजिए, तो हम उस पर भी काम करेंगे, देखेंगे आपका सजेशन, और अगर अच्छा लगा, दूसरों का फ़ायदा हुआ, सभी स्टूडेंट्स का, ऑडियंस का फ़ायदा हुआ, तो हम उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ग्राफ्स, कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर आपको फिजिक्स लैब चैनल का कहीं पर भी कोई भी वर्क अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सेट करिए, इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। #फिजिक्स लैब।